दोस्तों नमस्कार, मैं केदार सिंह मौर्य गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं। पिछले 5 साल से अमूल्या हर्ब्स को कर रहा हूं और आज मैं अमूल्या को जी रहा हूं। और दोस्तों मैंने पिछले 5 सालों में बहुत कुछ सीखते हुए अमूल्या के अंदर डायमंड डायरेक्टर लेवल और रॉयल्टी अचीवर हूँ। दोस्तों मैंने बहुत कुछ सीखा है अमूल्या के अंदर आकर के, और मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगी। सबसे पहली चीज मैं शेयर करना चाहता हूं कि कौन व्यक्ति सफल होता है और कौन व्यक्ति असफल होता है। इसमें बहुत ही बारीक अंतर होता है। जैसे मैं अपनी ही बारे में आपको बात करके और उन चीजों को क्लियर करना चाहता हूं। जैसे मैं जब शुरुआत किया था तो मेरी एक आदत थी कि सुबह मेरा उठने का मन नहीं करता था और मैं देर से उठता था, तो मेरे दिन के जो कार्य के समय होते थे, जो घंटे होते थे, वो कम हो जाते थे। फिर मैंने डिसीजन लिया, मैं कोशिश किया कि मैं अब सुबह जल्दी उठूंगा। तो आलस होने के बावजूद भी मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश किया, उस आलस को झटका देकर के हटाया अपने से, और मैं सुबह जल्दी उठने लगा। उसका नतीजा ये निकला कि मेरे कार्य के घंटे बढ़ गए और समय मेरे पास पर्याप्त रहने लगा। दोस्तों इसके आगे की कड़ी में मैंने ये महसूस किया कि मैंने अमूल्या में ज्वाइनिंग तो ले लिया, आईडी भी एक्टिवेट करा लिया, लेकिन सिर्फ आईडी एक्टिवेट कराने से मेरे को सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि सिर्फ जुड़ने से मेरे को पे आउट नहीं आ रहे थे। तो मैंने अपने अपलाइन से और अमूल्या के जो ट्रेंड लोग थे उनसे मैंने इस पर डिस्कस किया कि मेरे को क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाना शुरू किया कि आपको क्या करना पड़ेगा। उन चीजों को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे मेरे को कहा गया कि आप अपने लोगों की लिस्ट बनाओ, तो मैंने जो एक्शन लेना शुरू किया उसमें भी काफी लापरवाहियां होती रही। कहा गया लिस्ट बनाने के लिए तो कई महीने बीत गए, फिर मैं उस लिस्ट पर काम नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यार, जब तक मैं लिस्ट नहीं बनाऊंगा मेरा जो काम है वो अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। तो फिर मैंने लिस्ट बनाना शुरू किया, लिस्ट बनाया बैठ करके, इत्मीनान से सोच करके लिस्ट बनाया, उसको फिल्टर किया। फिर जब लिस्ट के ऊपर एक्शन लेने की बात आई तो वहां भी मेरे को हेजिटेशन होता था। मैं हिचकिचाता था कि मैंने जिसको लिस्ट में शामिल किया हूं उससे कैसे बात करूं, मेरे को झिझक होती थी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत जुटाई, कॉन्फिडेंस के साथ मैं वहां पे गया और मैंने बातचीत किया, अपनी बात को रखा। क्योंकि दोस्तों एक चीज मैंने जो सीखा वो ये कि दुनिया में जो चीज हमारे पास है अगर उसका हम प्रमोशन करने से शर्माते हैं, झिझकते हैं, तो फिर हम उस चीज को कभी भी जिंदगी में कर नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों हमें झिझक को छोड़ करके, झिझक को तोड़ करके, और अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन, अपने बिजनेस का प्रमोशन हमें बखूबी करना पड़ेगा, चाहे वो आदमी कोई भी हो। हमें ये नहीं सोचना है कि वो बहुत बड़ा आदमी है या बहुत छोटा आदमी है, हमारी बातों को वो किस तरीके से लेता है। हमें अपना काम करना है, बाकी काम के बाद रिजल्ट हमें उसके ऊपर छोड़ देना है, तो हमारा काम अंजाम तक पहुंचने लगता है। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मैं इस चीज को करने लगा और मैंने ये महसूस किया कि जब मैं ये करने लगा तो मेरे साथ लोग भी आने लगे और मेरी सफलता धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। इस लिहाज से मैं ये जो महसूस किया कि जो भी अमूल्या के अंदर आता है वो फैसला तो ले लेता है लेकिन पक्का इरादा नहीं कर पाता है। जिस दिन आप पक्का इरादा कर लेंगे उस दिन आपको सुबह की नींद का आलस भी नहीं तंग करेगा, और किसी भी आदमी का जहां अपने प्लान का, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करने जाते हैं उस आदमी के बारे में हम सोच के हेजिटेट भी नहीं होंगे और हमें किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर दिक्कत आएगी भी तो बखूबी हम उसको निपटा लेंगे, उससे निपट लेंगे, क्योंकि हमारे इरादे पक्के हो चुके होंगे। तो इसलिए दोस्तों इस बिजनेस में आने के बाद आपको सीखने की प्रक्रिया को सतत जारी रखना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, जो भी लोग सफल हैं उनके साथ बैठ के सीखना पड़ेगा। किसी के साथ बैठ के सीखने से आपका काम अंजाम तक नहीं पहुंचेगा।
इसलिए दोस्तों ये बिजनेस जो मेरे को समझ में आया, सीखना और उसको इंप्लीमेंट करना डेडिकेशन के साथ सफलता का, ये दो मूल मंत्र मेरे को समझ में आया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।